धीरे धीरे तो पहली जब कथा हमारी बंधी तो कथा बांधने के लिए घर पर जब आए थे तो कथा जो मालिक थे वो विचार कर रहे थे कि भैया शास्त्री कहाँ है, शास्त्री को बुलाया जाए। और मैं सामने बैठे जब आप तो भैया हाँ शास्त्री आ जाए तुम बताओ तुम लिखाओ। तो जब अब तो ना बुलाओ तो उनके द्वारा छटवाई जाए और लिखवाई जाए बयानाएं ना दो जाए। तो हमने कही दादा हम ही देखिए तुम्हारो ही ना हो या सनोज माधव हमने कही हाँ मेरो ही ना हो। अब भी हमारे शरीर की तरफ देखें क्योंकि तब मैं बहुत हल्के होते अब तो उन्हें ठीक हो गए। हाँ तो मतलब जैसे मैं देखो अब भी मन में विचार करें कैसे कथा हुई है। अब हमसे जकई पहली कथा रहे हमसे हाथ जोड़े जकई व्यास जी देखो मैं पर्सनल कथा है चंदा की तो है ना हमारी कैसे हूँ। तो हमने की चिंता क्यों कर रहे हो हम हैं कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। सांप को बच्चा है भैया चाहे बड़ो हो जो छोटो जहर हो तो ही रहे ना। तो ऐसे जरा जरा से बालक न समझें जो जरा जरा से ये बालक हैं ये बालक नहीं है ये भगवान है भगवान है। मैं कैसे मानूं तो मैया सती ने जवाब दिया अगर तुमने भगवान बता रहे तो मैं इनकी जाकर के परीक्षा लूंगी परीक्षा लेन जाइयो। हाँ भोले बाबा परीक्षा लेन जाइये नहीं मने हो नहीं मनी भोले बाबा हाँ हमें आज्ञा दे दियो अगर तुम नहीं मान नहीं हो सती तो तुम जाओ चली जाओ तुम आज्ञा मेरी है और तुम परीक्षा ले आओ अगर तुम नहीं मान रही हो जिद कर रही हो ठीक है भोले बाबा नमस्ते। तो सती सती जो रहे भोले बाबा की बात नहीं मानी वो अपनी जिद कर गई और जंगल में पहुंच गई। जिस रास्ते पर भगवान श्री राम छोटे व्रत लक्ष्मण जा रहे थे उन्हीं के सामने की विचार कर रही हैं अगर इस भेष में रहेंगे तो पहचान लेंगे तो इनके इनकी पत्नी का रूप रखती हूं अगर ये भगवान है तो मुझे सती समझेंगे अगर ये भगवान नहीं है तो मुझे अपनी पत्नी समझेंगे तो मैं समझ जाएंगे ये बालक है का भगवान है। सती खड़ी हो गई भगवान आगे पहुंचे भगवान ने जैसे ही देखा है सती को परीक्षा लेने के लिए आई है नहीं माने वो रास्ता छोड़ दिया दूसरी रास्ता अपना ली। और जैसे ही दूसरी रास्ता अपनाई भगवान ने तो सती विचार कर रही भगवान ने मुझे देख नहीं पाओ चलो रास्ता पे खड़ी हुई वहां से गई आगे दूसरी रास्ते पर खड़ी हो गई। दूसरी रास्ते पर जैसे ही निगाह पहुंची भगवान श्री राम की तो वो भी रास्ता छोड़ दी तीसरी रास्ता अपना ली। जैसे ही तीसरी रास्ता अपनाई सती मैया फिर सामने मिली गई तो भगवान श्री राम समझ गए सती अब मने नहीं आगे पहुंच। तो जैसे ही आगे पहुंचे हैं भगवान दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया मां भोले बाबा कौन है। जैसे ही ये शब्द भगवान श्री राम ने कहे है तो मैया सती के होश उड़ गए मालूम पड़ा पैर के नीचे जमीन खिसक गई। तो भगवान श्री राम ने दर्शन दिए आगे पहुंचे अब तो मैया सती जो रहे अपने कानों को बंद करके वहीं स्थान पर बैठ गए। अब तो हर जगह भगवान श्री राम छोटे भ्राता लक्ष्मण मैया सीता पत्ते पत्ते पर नजर आने लगे वापस
भोले बाबा ने जैसे आता हुआ देखा तो जवाब दिया सती परीक्षा ले आए। हाँ ना भोले बाबा हम परीक्षा लेन थोड़ी नहीं गई, मेरी किस्म तुम्हारी किस्म भोले बाबा ले किस्म खाएगा भोले बाबा। हम परीक्षा लेन थोड़ी नहीं गई थी, हम जानते हैं तो मैंने दर्शन करे, हमने दर्शन करे तो मैंने परिणाम करी, तुम परिणाम करने गई थी। अच्छा हाँ भोले बाबा कब परीक्षा तुम लेने गई थी? ना परीक्षा लेने नहीं गई थी हम। झूठ बोल गए काता नहीं तन की जाने मन की जाने जाने चित्त की चोरी वो ऐसे प्रभु से का छुपी जाके हाथ जगत की डोरी। जवाब दिया है सती तुम परीक्षा लेने के लिए गई, मुझे ये भी पता है भगवान श्री राम ने तुमसे मांगा है, अगर भगवान श्री राम की माँ हो तो आज से मेरी भी माँ हो। इतने शब्द कह करके समाधि को लगा बैठ गए। कई वर्षों तक समाधि में बैठे रहे, नेत्र खोले तो सती मैया वहीं बैठी बैठी रोए रही। जवाब दो सती तुम बैठी हो अब तक, जवाब दो हाँ हम कहाँ जा, केवल आपका ही सारा और वो भी तुम। तब तक सती निगाह आकाश की तरफ पहुंच गई, जैसे ही देखा है विमान जा रहे हैं तो जवाब दिया भोले बाबा। भोले बाबा हाँ ये बताइए मुझे आज ये विमान कहाँ जा रहे हैं ऊपर? विमान तुम्हें नहीं पता है? हमें नहीं पता भोले बाबा, तुम्हारे पिता जो है यज्ञ करा रहे हैं। यज्ञ? भोले बाबा तो एक बात तो मैं पूछे, बोलो 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 हमें यज्ञ में पठाई दी? बिल्कुल नहीं, क्यों? तुम्हें कितना ज्ञान नहीं है सती, बिन बुलाए कहीं जाया नहीं जाता है। भोले बाबा हाँ आप तो कौकत पिताजी के जहाँ बिना बुलाए चले जाओ, गुरु के जहाँ बिना बुलाए चले जाओ और दर्शन कर भगवान के जाओ बिना बुलाए चले जाओ सती। हाँ ये अलग बात है, वैसे बिन बुलाए तुम जा सकती हो पर लेकिन अनमन हो तो नहीं जाना चाहिए। भोले बाबा हाँ हम अपनी बुआ से मिले हैं, फूफा से मिले हैं, जिज्जी से मिले हैं, तुम तो दूध पीने में लग गई। भोले बाबा हाँ हमें पठाई दी नहीं मान रही हो, चली तुम्हारी इच्छा, तुम कम मेरी बात मानती हो। ये हकीकत है जब सती मैया जैसी देवी झूठ बोल गई भोले बाबा से, पर लेकिन आज कलयुग की जो देवी हैं, जो माताएं हैं, इनकी बात ही कछु अलग है। सुबह से शाम तक पता नहीं कितनी बार झूठ बोल रहे हैं, कोई गिनती नहीं, सत्य बात है। और ये भी पता होना चाहिए परीक्षित महाराज, झूठ बोलना पाप होता है, पर लेकिन झूठ ऐसी ऐसी जगह पर अगर बोलो तो वहां पाप नहीं होता। मान लिया अगर कहीं जान बच रही हो किसी की तो बाण ठाड़े गंगा पैरे जाओ, बड़ी बूढ़े कहना नहीं था मैं गंगा में ठाड़े कर दे सात डुबकी लगाए जाए पर लेकिन जू काम नहीं करो। किसी की अगर जान जा रही हो तो झूठ बोल जाओ तो वो पाप नहीं है। तो इसलिए तुमने मेरी बात ही कम मानी जो आज हमसे पूछ रही हो, तुम्हारी इच्छा है चली जाओ। तो सती जो रहे अपने पिता दक्षराज के पास में जैसे ही पहुंची हैं, दक्ष प्रजापति के यहां जैसे ही सती पहुंची तो सबने देखा है, सहेलियों ने देखा